फ्रेंड्स, श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर आज इंडस्ट्री में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने साल 2018 में फिल्म धड़क से फिल्मी जगत में कदम रखा था। डेब्यू से पहले ही वह सिनेमा जगत में अपने कदम बहुत ही फूंक फूंक कर रख रही थी। वह अपने आने वाले समय में गुंजन सक्सेना, रूही, अंजाना और दोस्ताना जैसी फिल्मों में नजर आएंगी। 6 मार्च 1997 को पैदा हुई जाह्नवी आज 23 साल की हो गई। इस मौके पर उनसे जुड़े हम कुछ मज़ेदार बात आप लोगों को बताने वाले हैं या जानकारियां आपको देने वाले हैं। नंबर 1, डेब्यू फिल्म से पहले माँ श्रीदेवी की मृत्यु। जाह्नवी कपूर ने फिल्म धड़क से हिंदी फिल्म जगत में कदम रखा था। करण जौहर निर्मित इस फिल्म में ईशान खट्टर उनके अपोजिट नजर आए थे, लेकिन बेटी को सिल्वर स्क्रीन पर अभिनय करने देखने से पहले ही श्रीदेवी ने दुनिया को लुभा कर दिया। फिल्म रिलीज होने से पहले ही दुबई में श्रीदेवी की मृत्यु हो गई। जाह्नवी के लिए यह काफ़ी गहरा सदमा था। श्रीदेवी अपनी बेटी के डेब्यू को लेकर काफ़ी उत्साहित थी। वह शूटिंग के दौरान जाह्नवी का हौसला बढ़ाने भी अक्सर फिल्म को पहुँच जाया करते थे। महेश बाबू के अपोजिट फिल्म। जाह्नवी कपूर को अपने करियर की शुरुआत में ही साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म ऑफर हुई। यह एक तेलुगु फिल्म थी जिसके निर्देशक K.R. मुर्गदास थे। जाह्नवी को यह ऑफर धड़क से भी पहले मिला था, लेकिन जाह्नवी ने यह फिल्म छोड़ा दी। बताया जाता है कि महेश बाबू और उनके उम्र के अंतर की वजह से वह इस फिल्म के लिए रजामंद नहीं हुई। वह पहली फिल्म में ऐसे किसी कलाकार के साथ कवर करना नहीं चाहती थी। वहीं ऐसी भी चर्चा रही कि उस दौरान जाह्नवी इंडस्ट्री में अपना सफर शुरू करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने यह फिल्म स्वीकार न करते हुए खुद को वक्त किया। पहले प्यार का खुलासा। जाह्नवी कपूर और अर्जुन कपूर ने एक करण जौहर के चर्च शो में अपने रिलेशनशिप और प्यार को लेकर खुलासा किया था। जहाँ एक तरफ अर्जुन कपूर ने ज़्यादा स्वीकार की अब सिंगल नहीं है, तो वहीं जाह्नवी कपूर ने शो में अपने प्यार का खुलासा किया था। जो भी हिंदी फिल्म जगत का मशहूर कलाकार है, करण ने जाह्नवी से राजकुमार राव की कौशल, नाजिम सिद्दीकी और आयुष्मान खुराना में से किसी एक का नाम लेने के लिए कहा था, जिसके बाद सबसे अधिक इज्जत करती थी। जाह्नवी ने एक ही जगह दो नाम लेते हुए विक्की कौशल और राजकुमार का नाम लिया, लेकिन फिर उन्होंने राजकुमार के नाम पर मोहर लगाते हुए यह खुलासा किया कि वह उनके पहले प्यार में है। जाह्नवी कपूर ने माँ श्रीदेवी की फिल्म 5 फिल्में देखी। शुरुआत से ही जाह्नवी की तुलना उनकी माँ श्रीदेवी से की जा रही है। श्रीदेवी के चाहने वाले भी जाह्नवी के अंदर उनकी माँ की छवि देखते हैं। हालांकि जाह्नवी ने अदाकारी में उनकी तुलना उनकी माँ से किए जाने के बारे में कहा कि उन्होंने कभी भी अपनी माँ की अदाकारी का अनुसरण नहीं किया। उन्होंने अपनी माँ की सिर्फ 5 फिल्में ही देखी। निर्धारण से पूछा गया था कि वह किस तरह की स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था वह स्क्रिप्ट किरदार पर अधिक ध्यान रखेंगे जो निभाते समय उन्हें चुनौतीपूर्ण लगे। उन्हें अपनी माँ से यही किरदार क्या है, इससे अधिक महत्व रखता है कि किरदार को कैसे निभाया जा रहा है। फिल्म सिम्बा हुई थी यहाँ पर, बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि रोहित शेट्टी निर्देशित फिल्म सिम्बा जाह्नवी कपूर को भी ऑफर हुई थी। दरअसल शुरुआती दौर में इस फिल्म को लेकर कटरीना कैफ से लेकर प्रिया प्रकाश वारियर का नाम जुड़ा, लेकिन अंत में सारा अली खान की झोली में यह फिल्म आई। हालांकि बताया जाता है कि इस फिल्म के स्क्रिप्ट का निर्देशन सारा के साथ ही जाह्नवी को भी दिया गया था। इस फिल्म को लेकर जाह्नवी कपूर से भी बातचीत चली थी, लेकिन उस दौरान रणवीर सिंह जैसे बड़े स्टार के साथ फिल्म करने को लेकर सहज नहीं थी। इस वजह से इन्होंने इस फिल्म से किनारा कर लिया और सारा के हाथ यह फिल्म लग गई। करीबी दोस्त के से जुड़ाना। फिल्म जगत में कदम रखने से पहले जाह्नवी का नाम उनके करीबी दोस्त अक्षत रंजन से जुड़ चुका है। दोनों अपनी नज़दीकियों के कारण काफ़ी चर्चा में भी रहे थे। दोनों एक दूसरे को डेट करने की खबरें भी सामने आई थी। डियर जिंदगी स्क्रीन में बाद जाह्नवी बोनी कपूर और श्रीदेवी के साथ एक गाड़ी में पहुँचे थे, जिसके बाद से यह चर्चा चल रही थी कि जाह्नवी के परिवार ने दोनों के रिश्ते को रजामंदी दे दी। इसके साथ ही जाह्नवी के जन्मदिन पर अक्षत ने जाह्नवी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, जिस पर जाह्नवी ने ILY जाह्नवी को अभिनेत्री नहीं बनाना चाहती थी श्रीदेवी। श्रीदेवी ने एक साक्षात्कार के दौरान यह कहा था कि वह शुरुआत में नहीं चाहती कि जाह्नवी अभिनेत्री बने,
बल्कि उनका मानना था कि जानू को शादी कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि वह जानू को फिट रहने के लिए कहा करती थी, इसकी वजह अभिनेत्री बनना नहीं था बल्कि वह तो सिर्फ चाहते थे कि जानू हमेशा स्वस्थ रहे। हालांकि जानू का झुकाव आदमी के प्रति रहा और उनकी रुचि देखकर ही श्रीदेवी ने हामी भर दी। घूमने के शौकीन है जानवी। जानवी कपूर घूमने के बहुत ही शौकीन। उन्होंने देश से लेकर विदेशों की नई नई जगहों पर जाना काफ़ी पसंद है। अक्सर इंस्टाग्राम पर हम उनकी दुनिया भर में घूमती हुई तस्वीरों को देख सकते हैं। फिल्म जगत में आने से पहले वह अपने परिवार के साथ घूमा करते थे। इस दौरान उनकी कई तस्वीरें माँ श्रीदेवी की भवानी कपूर और बहन खुशी कपूर के साथ वायरल हो चुकी हैं। करियर के साथ ही जानवी खुद के लिए समय निकालने में बिल्कुल भी कोताही नहीं करती और घूमना उसी का एक हिस्सा है। फिटनेस का रखती हैं ख्याल। जानवी कपूर अपने फिटनेस का खास ख्याल रखती हैं। वह जिम जाना कभी नहीं भूलती हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर वह जिम लुक में स्पॉट की जाती हैं। यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जाती हैं। उन दिनों उनके हाथ में चोट लगी थी, बावजूद उसके वो कंटिन्यू जिम जाया करते थे। जानवी ने भले अभी तक सिर्फ एक ही फिल्म के लिए एंड दूसरी भी की है, लेकिन वह सोशल मीडिया पर किसी भी दूसरी मशहूर अभिनेत्री से किसी नहीं थी। फिल्मों के लिहाज से उनकी फिटनेस उनके लिए मददगार साबित होती है। एंड लास्ट तो मैं बड़ो कंट्रोवर्सी तो जानवी का नाम बदलने से दूर ही रहा। उनसे बचती हैं सोशल मीडिया में उनके तमाम तस्वीरों के समय बाजू के बाद किसी तरह किसी खास फिल्म पर किसी तरह का विवाद नहीं देखा गया।